हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज केक विद चॉकलेट सॉस। इसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। मेरा कप 240 ml का है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और इसको मैं छान लूँगी। सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान लिया है। मैंने एक ऑरेंज लिया है और इसे मैं इस तरह ग्रेट कर लूँगी। हमें वाइट पार्ट नहीं लेना है, सिर्फ ऑरेंज पार्ट हमें ग्रेट करना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। इसको मैं पूरा ग्रेट कर लूँगी। इसको मैं मैदे में ऐड कर लूँगी। जो हमने मैदा छाना था उसमें मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसको मैं साइड में रख दूँगी। इसी ऑरेंज को मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है और मैं अब इसका जूस निकालूँगी। ऑरेंज का जूस मैंने निकाल कर रेडी रखा है। एक बाउल में मैंने 2 एग्स लिए हैं। इसमें मैं 1/2 कप शुगर ऐड करूँगी। इसको मैं बीट कर लूँगी। आप चाहो तो हैंड विस्क से भी इसको कर सकते हो। इसको हमें अच्छे से बीट कर लेना है। इसमें मैं 1/4 कप ऑयल ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करके हम इसको बीट करते रहेंगे। अब जो ऑरेंज जूस मैंने प्रिपेयर किया था वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी और एक बार बीट कर लूँगी। इसके साथ मैं ऑरेंज कलर भी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। हमें सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ऐड करना है, ये ऑप्शनल है। ज़्यादा नहीं ऐड करना है, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको बीट कर लेंगे। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसको हम स्लो स्पीड पर मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा मैदा हम ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है। मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है। इसे मैंने ग्रीस एंड डस्ट कर लिया है और नीचे बटर पेपर लगाया है। इस मिक्सचर को मैं इसमें पोर करूँगी। इसमें मैंने इसको डाल दिया है। अब मैं इसे टैप कर लूँगी, इसके एयर बबल्स निकल जाएंगे। एक पैन को मैंने प्रीहीट किया है, अंदर एक स्टैंड रखा है। अब ये केक का टिन मैं इसमें रख दूँगी और इसे कवर करके 20-25 मिनट्स के लिए कुक कर लूँगी। मैंने 200 ग्राम्स डार्क चॉकलेट लिया है, मोर्डेज ब्रांड का। इसमें मैं 1/4 कप मिल्क ऐड करूँगी और इसे 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव में हीट कर लिया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ये थिक सॉस हमारा बनकर रेडी है। ये मैंने मिल्क के साथ बनाया है। हैवी क्रीम के साथ भी आप इसे बना सकते हो, लेकिन ये केक के लिए ये सॉस परफेक्ट है। 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। स्क्वायर क्लीन आई है। केक हमारा बनकर रेडी है। अब हम इसी में इसको 5 मिनट रहने देंगे और फिर इसे बाहर निकालेंगे। केक हमारा बनकर रेडी है। मैंने इसको डीमोल्ड कर दिया है। बटर पेपर हम निकाल लेंगे। केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। केक हमारा ठंडा हो गया है। एक मैंने इस तरह का वायर रैक रखा है और नीचे मैंने एक प्लेट रखी है। अब जो चॉकलेट सॉस है प्रिपेयर किया था वो मैं इस पर डालूँगी। आप चाहो तो इसे ड्रिपिंग इफ़ेक्ट भी दे सकते हो या आप इसे फुल कवर भी कर सकते हो। मैंने इसको पूरा चॉकलेट सॉस से कवर कर लिया है। इसको मैं इसी तरह थोड़ी देर रहने दूंगी।
मैंने इस तरह के चॉकलेट शेविंग्स बनाए हैं। चॉकलेट को मैंने ग्रेट कर लिया था ग्रेटर से, वो मैं अब इस पर डालूंगी। इसके साइड में मैं ये वाइट चॉकलेट चिप्स डालूंगी। ऑरेंज केक पे चॉकलेट सॉस बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।